हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग शशांक, मनी मौर्य, रितोमणि, संदीप कुमार, नेमा, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? दोस्तों आज हम करेंगे एमसीक्यूज, और इसमें से आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। मेनली जो आपके एमसीक्यूज हैं वो गाइज मिक्स टाइप के आपके एमसीक्यूज हैं, और कुछ हैं दोस्तों आपके जैसे जो सोर्स वाला टॉपिक है उससे ही रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हैं, क्योंकि अभी हमने यही टॉपिक किया है और काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज हम ऑलमोस्ट 20-25 एमसीक्यूज करेंगे इस सेशन में, जो कि हाई यील्डिंग टॉपिक से मैंने लिए हैं। सो गाइज लास्ट तक सेशन को देखिएगा, और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो जल्दी से, फटाफट से, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे एक बार शेयर कर दीजिए एवरीवन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, देन अगर आपको प्लस पे पढ़ना है तो आप प्रेफर्ड कोड शिफ्ट एंड अप्लाई करो, तो प्लस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दोस्तों इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू दोनों आपके तैयार होंगे। पेपर वन की बात करूं तो यूनिट वन से लेके यूनिट टेन सारी की सारी आपकी कवर अप होंगी, जिसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन मैं आपको करवाऊंगा। और पेपर टू की बात करूं तो हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाता हूं, और हिस्ट्री में दोस्तों अभी आपका जो कोर्स चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक कोर्स अभी चल रहा है गाइस। याद रखिएगा गाइस, जब भी आप कोर्स लें तो रेफर कोड शिव 10 ही अप्लाई करें, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपना ऑनगोइंग कोर्स, जैसा कि मैंने बताया पेपर सेकंड का मॉडर्न हिस्ट्री का आपका चल रहा है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब भी आप कोर्स लेंगे या तो 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। जब भी लेंगे तो रेफर कोड शिव 10 अप्लाई करेंगे, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप अपने जो क्रेडिट्स हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, उससे आपको 10% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है गाइस। तो आपकी टोटल फीस 11,550 थी, वो आपकी हो जाएगी 10,395 रुपए डिस्काउंट लगने के बाद। और ये आप डेबिट कार्ड से, EMI से, UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग किसी से भी दोस्तों पे कर सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम, और ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरे लाइव सेशंस हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। एंड गाइस आज की जो स्पेशल क्लास है वो 10 बजे है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल 10:30 यानी मॉर्निंग में दोस्तों आपकी हिस्टोरियोग्राफी की क्लास है, हिस्टोरियोग्राफी की क्लास है, जो कि आप काफी टाइम से बोल रहे थे कि सर हिस्टोरियोग्राफी कराओ, तो इसकी स्पेशल क्लास करेंगे हम विद एमसीक्यूज 10:30 AM ऑन द अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इसकी आपकी क्लास होगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और उसके पहले हमारी जो कल क्लास है वो दोस्तों 9 बजे भी है, 9 बजे पेपर वन की है, और 10:30 बजे हम पेपर टू को करेंगे। 10:30 पे आपकी पेपर टू की क्लास है, तो इन क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो, ये फ्री क्लासेस है आपकी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे सभी लोग थम्सअप करके बताएं, आर यू रेडी? आप रेडी हैं गाइस, तो एक बार थम्सअप करो और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से, और साथ के साथ में आप शेयर भी करते जाएं सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सच है? सेलेक्ट यूर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। बताओ, विदता वाज मोर पॉपुलर देन आइदर सभा और समिति इन ऋग्वेदिक पीरियड, मैन एंड वुमेन बोथ पार्टिसिपेट इन विदत, और थर्ड है दोस्तों द मेंबर्स ऑफ समिति वर कॉल्ड विश्या। आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। आपके पास कोट्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीनों सही है या सिर्फ सेकंड वाला सही है?
20 सेकंड है और 20 सेकंड में आप मुझे आंसर दीजिए एवरीवन। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। बताओ और मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि विदत क्या होता था, सभा समिति क्या होते हैं, ये सारी चीज एक बार आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे जल्दी से क्या होते हैं गाइस सभी लोग एवरीवन। विदतावाद मोर पॉपुलर देन आइदर सभा और समिति इन ऋग्वेदिक पीरियड, मैन एंड वुमेन बोथ पार्टिसिपेटेड इन विदत, द मेंबर्स ऑफ समिति वर कॉल्ड विशा। इसका आंसर है दोस्तों आपका सी, 1, 2, 3 तीनों के तीनों आपके सही हैं गाइस, ठीक है ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आंसर क्या है आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं सी इज द करेक्ट आंसर कैसे है गाइस। देखो जो आपके ये बेसिकली सभा समिति विदत ऑर्गन, सभा समिति विधत और ये तीनों के तीनों दोस्तों ऋग्वेदिक टाइम के आपके प्रचलित हैं, ऋग्वेदिक पीरियड के ये इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या है दोस्तों इंस्टीट्यूशंस। अब दोस्तों इनको समझते हैं अपन। देखो जो ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी थी दोस्तों, बेसिकली वहां का जो समाज था वो था आपका ट्राइबल समाज। कैसा था दोस्तों, जनजातीय समाज हुआ करता था, ठीक है। और जो उनका जो ट्राइब्स थी उनको क्या बोलते थे अपन, जन बोलते थे। क्या बोलते थे, जना। और इनका जो हेड होता था उसको बोलते थे दोस्तों राजन। जो ट्राइबल का हेड होता था उसको बोलते थे अपन राजन। तो जो राजन होता था वो जो अफेयर्स करता था, मतलब जो उनका जो शासन को चलाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था, वो दो असेंबली से चलाता था दोस्तों। इसका नाम था एक सभा और एक होता था समिति। जो सभा होती थी दोस्तों वो आपकी जो एल्डर्स मेंबर होते हैं, मतलब जो बड़े लोग होते थे उनसे बनती थी। और जो समिति होती थी दोस्तों वो आपकी जो डील करती थी बेसिकली जो पॉलिटिकल एंड जो बिजनेस के मैटर होते थे, यानी जो इंपोर्टेंट काम होते थे वो समिति उसको डील करती थी, ये आपको याद रखना है। और जो वुमेन होती थी दोस्तों वो सभा और विदत की दोनों प्रेसिडिंग्स में पार्ट ले सकती थी, ये आपको याद रखना है। और जो राजा होता था वो दो टाइप के बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनसे मदद लेता था, एक को बोलते थे वशिष्ठा और एक को बोलते थे विश्वामित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कोई भी राजा की अपनी कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों वहां पे किंगडम नाम की कोई चीज नहीं होती थी, वहां पे सिर्फ ट्राइब होती थी, यानी जनजातीय समाज उस टाइम था, वहां पे कोई किंगडम नाम की चीज नहीं थी। ऋग्वेदिक काल की अपन बात करें तो अपन देखें तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन का एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन हुआ करते थे वहां पे, ठीक है। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी की लोवेस्ट यूनिट अपन देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि सबसे निम्न इकाई कौन सी थी, तो उसकी बात करेंगे अपन। कुल, जो कुल होती थी दोस्तों वो सबसे निम्न इकाई हुआ करती थी, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे जो फैमिलीज होती थी उनसे दोस्तों ग्राम बनता था, गांव बनता था। और गांव का जो हेड मैन होता था उसको बोलते थे दोस्तों ग्रामिणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे गांव बनते थे दोस्तों विश, और जो इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे विशापति, ठीक है। और ये मिलिट्री लीडर भी होता था। उसके बाद में बहुत सारे विशाज मन के बनते थे आपका ट्राइब, यानी जन, है ना, जना बनते थे। और बहुत सारे जो जन होते थे जब उसको दोस्तों उनको बनके बनते थे जनपद, और जनपद को मिला के बने हैं दोस्तों हमारे महाजनपद, ठीक है। तो ये जन होता था, इसका जो हेड होता था वो होता था दोस्तों गोपा। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। और बहुत सारे जब जनपद बने दोस्तों तो जनपद से आपका क्या बन गया,
जनपद के बाद में दोस्तों आपका आता है महाजनपद। और आपको भी पता है दोस्तों कितने महाजनपद हुए हैं अपने, 16 महाजनपद हुए हैं। और इस बार एक क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जितने भी आपका जो स्टेट्स है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है गाइस। तो इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस। क्लियर एवरीवन? क्लियर है आप सभी को? तो देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जो सभा और समिति और विदत, ठीक है, ये तीन बेसिकली ऋग्वेदिक पीरियड के इंस्टीट्यूशन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। जो सभा होती थी दोस्तों, जो आपके जो बड़े लोग होते थे, एल्डर्स मेंबर होते थे, उनसे बनी होती थी। जो समिति होती थी, बेसिकली जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने होते थे वो समिति के द्वारा लिए जाते थे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते थे वो उसके द्वारा लिए जाते थे, समिति के द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है। दो आपके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, विशिष्टा और विश्वामित्र, इनको आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ समिति वॉज, समिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता था? द इलेक्शन ऑफ द किंग, लेजिस्लेशन, जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर दीजिए आप, 15 सेकंड आपके पास में है, 15 सेकंड में आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट से। बताओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द समिति वॉज द इलेक्शन ऑफ द किंग, लेजिस्लेशन, जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या नन ऑफ द अबव। देखो, दो चीज की अपन ने बात की है, एक सभा एंड एक समिति। आप बताओ कि जो समिति होती थी उसका मेन फंक्शन क्या होता था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द समिति वॉज द इलेक्शन ऑफ द किंग, लेजिस्लेशन, जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर इसका? सो गाइस, जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है इसको कि जो आपकी जो समिति होती थी उसका मेन काम क्या होता था दोस्तों, वो आपके पॉलिटिकल्स और जो पॉलिसी जो डिसीजन होते थे, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस होते थे उनसे वो डील करती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है दोस्तों आपका द इलेक्शन ऑफ द किंग। जो बेसिकली राजा हुआ करता था, जो उनका लीडर हुआ करता था, है ना, उनका जो चुनाव है वो समिति के द्वारा किया जाता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर एवरीवन? तो आंसर क्या होगा मेरा? ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने सी फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं गाइस, ठीक है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन। तो आप फिर से बाद में लास्ट में हम इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। देखो, हमने बात किया कि जो वुमेन्स थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, तो ये हमने किया था कि वुमेन्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ सभा एंड विदत, ठीक है। ये हमने देखा है कि द मेंबर्स ऑफ समितीज वर कॉल्ड विसास, उनको विसास बोलते थे गाइस। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें सारी। नेक्स्ट, सभा वाज अ प्रोसीजर टू इलेक्ट किंग, एन एडवाइजरी काउंसिल, अ जुडिशियल काउंसिल या ऑल द अबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए, सभा वाज अ प्रोसीजर टू इलेक्ट किंग, एन एडवाइजरी काउंसिल, अ जुडिशियल बॉडी या ऑल द अबव। 10 सेकंड, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सभा, जस्ट आपका एक रिविजन हो रहा है। ये बताओ, अ प्रोसीजर टू इलेक्ट किंग, एन एडवाइजरी काउंसिल, अ जुडिशियल बॉडी या ऑल द अबव। क्या होगा इसका आंसर? सभा वाज अ प्रोसीजर टू इलेक्ट किंग, एन एडवाइजरी काउंसिल,
अ जुडिशियल बॉडी या ऑल द अबव? ए बी सी या डी? सो गाइज वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों के आंसर ठीक है यहाँ पे। और आंसर मैं बता सकता हूँ, अभी माया सैनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संचिता, बस सिर्फ दो लोगों ने आंसर सही दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? एंड एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। तो समिति होती थी जो पॉलिटिकल, जो पॉलिसी, जो फंक्शंस हुआ करते थे, और जो मेजर जो डिसीजन लिया करते थे वो समिति के द्वारा लिए जाते थे। सभा सिर्फ एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी दोस्तों, सिर्फ एडवाइस करती थी, उसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आंसर क्या है आपका? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? सो गाइस एक बार मुझे थम्स अप करके बताएं आपको समझ में आया तो, और एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए एवरीवन, एक बार आप सभी लोग शेयर करें अपने ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ धर्म? निम्नलिखित में से कौन से आश्रम का ऑब्जेक्टिव धर्म होता था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थता, वानप्रस्था या सन्यास? बताइए आप सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ धर्म? क्या होगा इसका आंसर? ब्रह्मचर्य होगा, गृहस्थता होगा, वानप्रस्थ होगा या सन्यास होगा? 15 सेकंड आपके पास में है और 15 सेकंड में इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि जो आपके आश्रम है वो कहां पे दिया गया है दोस्तों, उसका उल्लेख कहां पे मिला है आपको, सोर्स क्या है इसका आश्रम सिस्टम का, स्रोत ये हमने पढ़ा हुआ है, तो बताओ इसको कि कहां उल्लेख है सबसे पहले इसका। ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ या सन्यास? तो बताइए फोर का आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य होगा, गृहस्था होगा, वानप्रस्थ होगा या सन्यास होगा? तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका सन्यास आश्रम है गाइज, ठीक है। दो धर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव ऑफ धर्म, वो दोस्तों सन्यास आश्रम में होता था। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है आपको? वो मिलता है दोस्तों जबालो उपनिषद में, ठीक है। जबालो उपनिषद, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी सही है दोस्तों 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक बार आप देख लीजिए कि बेसिकली आपके चार आश्रम हुए हैं दोस्तों, और चार आश्रम की बात करें तो फेजेस और स्टेट भी बोलते हैं, लाइफ के चार चरण। यानी एक मनुष्य होता है, उसकी उम्र यहाँ पे एक्सपेक्टेड उम्र 100 साल बांटी गई है, जिसमें दोस्तों 0 से लेके जब वो पैदा होता है और 25 साल तक आपका ब्रह्मचर्य, फिर 25 से लेके आपका गृहस्थ आश्रम, और फिर 50 से लेके 75 तक आपका हो गया दोस्तों वानप्रस्थ, और बेसिकली आपका 75 से लेके 100 साल तक आपका हो गया दोस्तों संन्यास आश्रम, ठीक है। और जो ब्रह्मचर्य की जब अपन बात करते हैं तो ये दोस्तों एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे अपन स्टूडेंट होते हैं, और यहाँ पे अपन ऑलमोस्ट अपनी जो लाइफ है दोस्तों अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु स्पेंड करते हैं, ठीक है। और एक अपने आप को तैयार करते हैं दोस्तों एक स्पिरिचुअल माइंड की तरह, अपने आप को दोस्तों बिल्डिंग अप द माइंड फॉर द स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब अपनी शिक्षा होती है, ये बेसिकली वो पीरियड होता है जब हम शिक्षा लेते हैं गुरु के सान्निध्य में रहकर। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम होता है दोस्तों, यहाँ पे अपन अपनी जो हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे
मैरी करते हैं, शादी करते हैं दोस्तों, ठीक है, और अपना जो प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको भी अपन यहाँ पे व्यतीत करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वन प्रस्ता का होता है दोस्तों रिटायरमेंट की एज आ जाती है, यानी हम जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं गाइस, ठीक है, और हमारी जो हाउस होल्ड ड्यूटीज होती है उनसे भी अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों फाइनली संन्यास आश्रम होता है, और ये दोस्तों एस्टेटिज्म वाली एज होती है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जितने भी सांसारिक मोह माया है, ठीक है, उनको दोस्तों अपन त्याग देते हैं, ठीक है, और अपन दोस्तों मोक्ष की ओर प्रस्थान यहां से कर लेते हैं, यानी अपनी बॉडी को दोस्तों मोक्ष की ओर अपन मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपन यहां पे कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली चार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और जबालो उपनिषद में दोस्तों सबसे पहले इनका उल्लेख आपको मिला है। नाउ उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त या नन ऑफ दिस। जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा या नन ऑफ द अबव। 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आप आंसर दीजिए इसका जल्दी से एवरीवन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बताइए सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त या नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है मेरा, आंसर है दोस्तों इसका आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अशोक के द्वारा आपका सांची का स्तूप बनाया जाता है, ठीक है, ये है दो गाइस आपका सांची का स्तूप। अब ये सांची का स्तूप है कहां पे, लोकेशन क्या है दोस्तों इसकी, कौन सी प्लेस पे है ये दोस्तों एमपी में है आपका, कहां पे है, एमपी में, ये है आपका सांची का स्तूप और ये एमपी में अवस्थित है। अब थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं दोस्तों, सांची के स्तूप के अलग अलग नाम है, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता या बहुत कम स्टूडेंट इस पे गौर करते हैं। जो सांची का स्तूप था उसको पॉपुलरली अपन बोलते थे दोस्तों काकया, काकयाना, काकाना, दाबोता और बोदा स्त्री पर्वता, बोटा स्त्री पर्वता बोलते थे, श्री पर्वता बोलते थे, एक काकना दाबोता बोलते थे, एक काकन्याया बोलते थे दोस्तों, ठीक है, ये तीन नाम से अलग अलग सांची के स्तूप को जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा गाइस। और ये जो सांची का स्तूप था ये कमीशन किसके द्वारा किया गया था, अपन ने बात की दोस्तों अशोक के द्वारा किया जाता था, 3rd शताब्दी BC में इसको बेसिकली कमीशन किया था अशोक के द्वारा दोस्तों, और मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसको भी आपको याद रखना, ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को भी आपको याद रखना है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी थी गाइस, ये 1989 में, कब बनी थी 1989 में दोस्तों, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, इसको भी आपको याद रखना है, क्लियर एवरीवन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे है जो इस बार आपसे पूछा गया था कि नालंदा यूनेस्को की साइट कब बनी थी, बताओ इसका आंसर, नालंदा यूनेस्को की साइट कब बनी थी, इसका आंसर बताओ मुझे, नालंदा को यूनेस्को की साइट कब डिक्लेयर किया गया था, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग जल्दी से एक बार। बताओ फटाफट से यूनेस्को की साइट नालंदा कब डिक्लेयर किया गया, When was Nalanda declared UNESCO World Heritage Site? बताओ इसका आंसर फटाफट से, जल्दी से। So guys, 1980 में इसको World Heritage Site declare किया गया था और ये question इस बार आपका पूछा गया है, जो यूजीसी नेट का इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी नॉट नालंदा, तक्षशिला, जस्ट स्लिप ऑफ टंग, तक्षशिला, वेरी गुड, तक्षशिला गाइस, सॉरी,
प्लीज इसको करेक्ट कर लो। तक्षशिला, हाँ तक्षशिला का क्वेश्चन पूछा गया था, और तक्षशिला को 1980s में दोस्तों इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सॉरी जस्ट स्लिप ऑफ टंग, गलती से निकल गया, ये तक्षशिला है गाइस, ओके यस तक्षशिला। सो 1980s में दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, इसलिए मैंने मेंशन किया है आपको, पेपर फर्स्ट का ही क्वेश्चन था। तो आपसे इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि जो सांची का स्तूप था उसको यूनेस्को की साइट कब डिक्लेयर किया गया था, तो आपको याद रखना है 1989 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया गया। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, और आपके पास में है दोस्तों 30 सेकंड, आराम से सोचो और आराम से इसका आंसर दीजिए फटाफट से जल्दी से। बताइए इसका आंसर जल्दी से एवरीवन, क्या होगा, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। एक में दोस्तों आपका मंदिर दिए हैं, दूसरे में उनकी स्टाइल दी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बताओ। एक तरफ आपका कांदरिया महादेव का मंदिर है, एक तरफ तेली का मंदिर है ग्वालियर में, एक आपका है दोस्तों राज राजेश्वर मंदिर है तंजौर में, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि कांदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल के लेके जाओगे, तो बताओ जल्दी से एवरीवन। बताइए यार एक बार सभी लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर एवरीवन। कांदरिया महादेव का मंदिर है, तेली का मंदिर है जो ग्वालियर में है, एक राज राजेश्वर आपका टेंपल है दोस्तों, कहां पे है ये आपका, ये है दोस्तों आपका तंजौर में। तो लेट्स सी कितने लोग इसको सही कर पाते हैं गाइस। तो आंसर क्या है आपका, आंसर है गाइस आपका ये नोट सी, सी आंसर नहीं है इसका, ठीक है, इसको आप करेक्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। देखो जो आपका कांदरिया महादेव का जो मंदिर है दोस्तों वो कहां पे है दोस्तों, ये जो आपका जो खजुराव के जो टेंपल है ना, खजुराव के जो टेंपल, वहां पे है दोस्तों, ठीक है, एमपी में, और ये चंदेला शासकों के द्वारा बनाया गया था, एक तो ये है। तो आप देखो कि नॉर्थ इंडिया में कौन सी स्टाइल होती है दोस्तों, राज राजेश्वर जो टेंपल है दोस्तों वो आपका बना हुआ है आपका द्रविड़ियन स्टाइल में, है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इस देखिए, और कांदरिया महादेव का ये आपका दोस्तों नागर स्टाइल का है, और ये आपका वेसर स्टाइल का, तो आंसर दोस्तों डी होगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप याद रखिए आंसर क्या होगा इसका, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कांदरिया महादेव वेसर स्टाइल, ये मिक्सअप स्टाइल में बना हुआ है आपका, तेली का मंदिर ग्वालियर में, ये नागर स्टाइल का है, और राज राजेश्वर टेम्पल है दोस्तों द्रविड़ स्टाइल का है, तो आंसर क्या होगा आपका, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, क्लियर है गाइस, यस। अभी दोस्तों बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई टेम्पल हो दोस्तों जो दोनों स्टाइल में आपका बना हो, जहां पे वेसर भी हो और आपका द्रविड़ भी हो, नागर भी हो द्रविड़ भी हो, उसको अपन वेसर स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए आप। एक तरफ आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है दोस्तों, एक तरफ आपके जैन तीर्थंकर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके सिंबल दिए हैं, क्या दिए हैं उनके सिंबल, एक तरफ आपके जैन तीर्थंकर का नाम दिया है, तो इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। ऋषभ, अजीत, अरिष्णेमी, पार्श्वनाथ, महावीर, इनके सिंबल आपको बताने हैं, तो आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से एवरीवन। ऋषभ, अजीत, अरिष्णेमी, पार्श्वनाथ या महावीर, क्या होगा इसका आंसर,
सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, काफी लोग बता रहे हैं ए होगा और कुछ लोग ऑलमोस्ट सभी लोग ए बता रहे हैं, तो लेट्स सी। आंसर दोस्तों ए ही है, बड़ा सिंपल सा आंसर था। देखो किसी का याद रहे ना रहे, महावीर का हमेशा याद आपको रखना है। अगर आपको महावीर का याद था कि लोयन होता है तो गाइज इस क्वेश्चन को आराम से आप निकाल सकते थे, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में महावीर के सामने लोयन को नहीं मैच किया। तो देखो ऋषभ का ऋषभ देव होते हैं, उनका बुल, अजीत का एलिफेंट, अरिष्टनेमी का दोस्तों कौन सेल, और पार्श्वनाथ का स्नेक है आपका, और जो महावीर है उनका लोयन है दोस्तों सेल। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका ए, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जब हम क्लास में डिस्कस किया था ये सारी चीजें। तो आंसर क्या है आपका, वन यानी ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये तो हमने लास्ट क्लासेस में ही किए थे दोस्तों, अलवार्स क्या होते हैं दोस्तों। अलवार्स वर वैष्णव संत इन द साउथ इंडिया, शैव संत इन द नॉर्थ इंडिया, सेवा संत इन साउथ इंडिया, या आपके वैष्णव संत इन नॉर्थ इंडिया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग, अलवार्स कौन थे, वैष्णव संत इन साउथ इंडिया, शैव संत इन नॉर्थ इंडिया, सेवा संत इन साउथ इंडिया, या वैष्णव संत इन नॉर्थ इंडिया। अलवार्स कौन थे गाइस, एवरीवन इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, हु वर्स अलवार्स। क्या ये वैष्णव संत थे, क्या ये शैव के उपासक थे, ठीक है कौन थे ये। तो दोस्तों ये थे दोस्तों वैष्णव संत थे आपके, ये साउथ इंडिया की बात अपन कर रहे हैं है ना। तो उस टाइम दोस्तों साउथ इंडिया की जब अपन बात करें, साउथ इंडिया के भक्ति ट्रेडिशन की जब अपन बात करते हैं तो वहां पे दो तरह के आपके संत हुआ करते थे। एक दोस्तों आपके हुआ करते थे अलवार्स, एक हुआ करते थे आपके नयनार्स। अलवार्स हुआ करते थे दोस्तों वो वैष्णव संत हुआ करते थे, जो नयनार्स हुआ करते थे वो आपके शैव के संत हुआ करते थे गाइस, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं अपन। तो ये दो चीज आपको याद रखनी, क्लियर। तो ये हमने डिस्कस भी किया था हमारी लास्ट क्लासेस में, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्रेणी बोस, श्रेणी क्या थी दोस्तों, कास्ट थी एक, क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था, क्या ये ट्रेड गिल्ड थी, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, श्रेणी बोस कास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ट्रेड गिल्ड, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। श्रेणी बोस कास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ट्रेड गिल्ड, या नन ऑफ द अबव। क्या ये जाति थी, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, क्या ये ट्रेड गिल्ड थे, क्या ये नन ऑफ द अबव। तो कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, रितोमणि, शशांक मणिमौर्या, चित्रंजन, संचिता, सिंह दांगियर। सिंह दांगियर एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को दोबारा से, सो दोस्तों आंसर क्या है मेरा, आंसर है इसका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। जो श्रेणी होती थी बेसिकली ये दोस्तों ट्रेड गिल्ड हुआ करती थी। अब ट्रेड गिल्ड कैसे, जैसे कि दोस्तों ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स भी इनको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। अब मर्चेंट्स कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, आम भाषा में इनको ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, जैसे कोई आपका
कोई ट्रेडर है दोस्तों, किसी का भी ट्रेड करता है, उनका जो ग्रुप होता था बेसिकली, या आप ये बोल सकते हैं यूनियन बोल सकते हैं इनको, ट्रेड यूनियन भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो उस टाइप से ऐसे ये हुआ करते थे, श्रेणी हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इनको बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर एवरीवन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर है आपका सी, नोट बी, आंसर होगा आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर एवरीवन। चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ चौथ वास 1/3 ऑफ द क्रॉप रेवेन्यू, 1/2 ऑफ द ट्रेड रेवेन्यू, 1/2 ऑफ द रूट पोर्शन ड्यूरिंग द वॉर्स, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, बताइए चौथ क्या होता था। और साथ के साथ में मुझे ये भी बताओगे कि चौथ किसके द्वारा इंपोज किया जाता था दोस्तों, ये चौथ इंपोज किसने किया था बताओ, और ये किसके द्वारा इंपोज किया जाता था ये भी आप बताएंगे साथ के साथ में। 1/3 ऑफ द क्रॉप रेवेन्यू, 1/2 ऑफ द हाफ ऑफ द ट्रेड रेवेन्यू, हाफ ऑफ द लूट पोर्शन ड्यूरिंग द वॉर, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, सो गाइज आंसर क्या है मेरा, आंसर है दोस्तों डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो चौथ से पता ही लग रहा है, चौथ मतलब चार, 1/4 भाग जो लैंड रेवेन्यू का आता था वो दोस्तों किसको देना पड़ता था, वो मराठाओं को देना पड़ता था। ये दोस्तों जो चौथ है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कर है, और किसके द्वारा इंपोज किया गया था दोस्तों, ये मराठाओं के द्वारा इंपोज किया गया था, इंपोज बाई मराठा। अब दोस्तों एक कर और होता था ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों सरदेशमुखी, सरदेशमुखी एक था दोस्तों चौथ, और एक था आपका सरदेशमुखी। ये दोनों के दोनों जो कर है दोस्तों, ये आपके मराठाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, इंपोज किए जाते हैं, क्लियर एवरीवन। तो ये आपको याद रखना है, चौथ और सरदेशमुखी ये मराठाओं के द्वारा लगाए जाने वाले कर थे, ये कर के प्रकार होते हैं गाइस, ओके। नाउ क्लियर सभी को, टेंथ वाला क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, जिसका भी सही है दोस्तों 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है, नैमा खातून ने बताया कि जो सरदेशमुखी होता था ये 1/10 होता था, और जो चौथ होता था दोस्तों ये 1/4 होता, नाम से ही पता लग रहा है सरदेशमुखी 10, ठीक है, 1/10, चौथ का मतलब 1/4 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अकबर्स रीन जागीर्स वर अलोटेड टू, अकबर के टाइम जागीर किस किस को दी जाती थी, लर्न एंड रिलीजियस मैन, विद्वान और धार्मिक पुरुषों को, नोबल्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, रईस और शाही परिवार के लोगों को, रानियों को, बोथ बी एंड सी, 22nd और 22nd में आप सभी लोग आंसर दीजिए इसका क्या होगा। ड्यूरिंग अकबर रीन्स जागीर्स वर अलोटेड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन, नोबल्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, क्वींस या बी एंड सी, क्या होगा आंसर। ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे दोस्तों, अकबर का जब शासन काल था तो जागीर किस किस को दी जाती थी, सिंपल सा आंसर बताना आपको, सो काफी लोग आंसर ठीक भी दे रहे हैं। पहला आंसर मुझे मिला है माया सैनिका, दूसरे पे सिंह डांगेर एंड बनीता, शशांक मणि मौर्य,
अफरीन, रितोमनी, वेरी गुड। तो यहाँ भी एक मिक्स आंसर देखने को मिल रहा है, कुछ लोग बी आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन गाइस आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि नोबल्स जो रॉयल फैमिली के जो सदस्य हुआ करते थे उनको दोस्तों जागीर दी जाती थी, और कुछ रानियों को भी दोस्तों जागीर दी जाती थी। ठीक है, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। लर्न और रिलीजियस मैन को दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, दी जाती थी लेकिन दोस्तों इतना लार्ज एक्सटेंट में इनको नहीं दी जाती थी। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसका भी डी है दोस्तों, ठीक है, जिसका भी डी है वो 2+7 कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ दोस्तों आपका उनकी डेजिग्नेशन दी है, एक तरफ उनका दिया हुआ है कि कौन किसको क्या बोलते थे, बेसिकली नाम दिया हुआ है और उनका डेजिग्नेशन दी हुई है दोस्तों। तो बताओ लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। एक पे है दोस्तों पोलीगार, एक है दोस्तों दस्तूर, दूसरा है, तीसरा है दोस्तों मनसब, और चौथा है दोस्तों सर्राफ। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोलीगार, दस्तूर, मनसब और सर्राफ मैच करना है आपको लिस्ट वन से लिस्ट सेकंड को। सो बताओ पोलीगार, दस्तूर, मनसब या सर्राफ, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो पहला आंसर दिया है सिंह दांगेर ने, लेट्स सी। दूसरे नंबर पे संजीता ने दिया है आंसर, माया ए। सो गाइस फटाफट से आंसर दो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ओनली 10 सेकंड रिमेनिंग है आपके, और 10 सेकंड में आप सभी लोग एक बार आंसर दे दीजिए फटाफट से, जल्दी से एवरीवन। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है यार, आंसर तो ए है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट सी नोट बी, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों है, देखो जो पोलीगार्स होते थे वो कौन होते थे दोस्तों, वो मिलिट्री चीफ होते थे। ठीक है, ये क्या किया करते थे गाइस, जो राजा होता था ना उसको क्या करते थे, ये मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, प्रोवाइड मिलिट्री सर्विसेज टू द किंग। जो भी राजा होता था उसको ये मिलिट्री सर्विस दिया करते थे। तो दस्तूर होता था दोस्तों, दस्तूर क्या होता था, एक डिवीजन ऑफ लैंड फॉर रेवेन्यू पर्पस। ठीक है, रेवेन्यू का वसूलने के लिए जब लैंड का डिवीजन होता था उसको बोलते थे दस्तूर, यानी भूमि का जो विभाजन किया जाता था फॉर द पर्पज ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, उसको दस्तूर बोलते थे। और मनसबदारी सिस्टम आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये एक रैंक होती थी, मनसब क्या होती थी, रैंक को बोला करते थे अपन। और सराफा व्यापारी आज भी होते हैं दोस्तों, सराफा व्यापारी आज भी होते हैं, सराफा ट्रेडर्स होते हैं गाइस, ये क्या करते हैं, पैसे के कुछ चेंज करते हैं, स्पेशलाइज इन चेंजिंग मनी, सराफा व्यापार होता है गाइस, सराफा व्यापारी होते हैं, तो ये मनी चेंज में मनी को चेंज करके देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई, ई इज द वेरी करेक्ट आंसर गाइस, जिसका भी सही है 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अमोंग इकोनॉमिक नेशनलिस्ट। ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है और मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं दोस्तों। सो बताओ दादा भाई नारोजी, रोमेश चंद्र, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। 20 सेकंड में आपको आंसर देना है, फटाक से आंसर दो जल्दी से एवरीवन, टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी।
Who among the following cannot be included among economic nationalists? दादा भाई नारोजी, रोबेश चंद्र दत्त, दत्त है दोस्तों इसके आगे दत्त भी लगा लो आप, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। तो पहला आंसर मुझे मिला है माया सैनी, दूसरे पे अफरीन, तीसरे पे संचिता सरकार, संदीप कुमार, रितुमणि, मनीता सेठी, शिल्पा विद शिल्पा, संसाक मणि मौर्य, वेरी गुड सुमित्रा मुखर्जी। आंसर बड़ा सिंपल सा है यार, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे इकोनॉमिक क्रिटिक आती है दोस्तों, इकोनॉमिक क्रिटिक्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि किस किस ने दोस्तों इकोनॉमिक क्रिटिक की। तो कुछ प्रोमिनेंट नाम है इकोनॉमिक क्रिटिक में, एक तो दादाभाई नौरोजी, एक आरसी दत्त, एक आपका रानाडे, एक आपका गोखले, एक है दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो गाइस इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ब्रिटिश लोग थे उनका मतलब भांडा फोड़ किया था। भांडा फोड़ कैसे किया था दोस्तों, इन्होंने बताया था कि जैसे दादाभाई नौरोजी की मैं बात करूं तो दोस्तों इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम बता दो मेरे को फटाफट से। दादाभाई नौरोजी ने क्या थ्योरी दी थी, इकोनॉमिक थ्योरी थी इनकी, उस थ्योरी का नाम क्या था दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये बता रहे थे कि कैसे यहां से एक तरफा धन का निष्कासन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इनके एक बुक भी थी दोस्तों, उस किताब का नाम भी बता दो, दादाभाई नौरोजी की, जिसमें इन्होंने ये इकोनॉमिक क्रिटिक किया था दोस्तों। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो जो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे बेसिकली, इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक किया था, तो उस किताब का नाम बताइए क्या होगा दोस्तों, उस किताब का नाम बताओ, उस किताब का नाम है दोस्तों पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर एवरीवन? अच्छा अब मुझे ये बताओ कि आरसी दत्त की भी एक किताब है, आरसी दत्त की किताब का नाम बताओ जल्दी से फटाफट से, आरसी दत्त की किताब का नाम भी आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस को पता है, लेट्स सी। और इनको आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी ने आपका दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दोस्तों, है ना। और जो आरसी दत्त थे, अकॉर्डिंग टू द दत्त, इंक्रीज पॉवर्टी एंड लोअर वेजेस अमंग द इनडायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, ये दोस्तों आरसी दत्त के द्वारा आपका बोला गया, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है गाइस। क्लियर? नाउ अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ विस्टी वाज रेफर्ड टू, विस्टी किसको बोलते हैं, अनकल्टीवेटेड लैंड को, कल्टीवेटेड लैंड को, फोर्स लेबर को, या क्रॉप रेवेन्यू को। विस्टी वाज रेफर्ड टू अनकल्टीवेटेड लैंड, एकृषित भूमि, खेती की जमीन, फोर्स लेबर, या क्रॉप रेवेन्यू। विस्टी वाज रेफर्ड टू अनकल्टीवेटेड लैंड, कल्टीवेटेड लैंड को बोलते थे, फोर्स लेबर को बोलते थे, या क्रॉप रेवेन्यू को बोलते थे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो गाइस थोड़े से जल्दी करते हैं अपन क्वेश्चंस को, है ना, क्योंकि टाइम हो गया है तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। आंसर क्या होगा दोस्तों, विस्टी किसको बोलते थे, फोर्स लेबर को, जबरन जो मजदूरी होती थी उसको अपन बोलते थे विस्टी। तो ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। तो विस्टी क्या था दोस्तों, विस्टी वाज अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, है ना, ये आपको याद रखना है। एंड ये दोस्तों किसके टाइम की बात है दोस्तों, ये मोस्टली जो गुप्ता टाइम था, गुप्त काल के बारे में ये दोस्तों बताया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
क्लियर एवरीवन? चलो जी, तो याद रखना फोर्स लेबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये मिडेवल इंडिया से आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। सुलह ए कुल वाज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? बलबन के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या शिवाजी के द्वारा? बताइए इसका आंसर। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? बलबन, अकबर, जहांगीर, शिवाजी? ए बी सी या डी? तो ये भी बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों। आंसर क्या होगा आपका? आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हुआ क्या था दोस्तों, अकबर के द्वारा एक सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी, यानी अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसका ये पार्ट हुआ करता था। रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, यानी धार्मिक नीति दोस्तों? अकबर वाज वन ऑफ द टॉलरेंट रूलर, ये काफी एक टॉलरेंट रूलर रहा है, ये सभी धर्मों को दोस्तों एक साथ देखता था। इसने दोस्तों एक नया धर्म चलाया, एक नई पॉलिसी दी, इसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, इसको बोलते थे दोस्तों डिवाइन मोनोथिज्म। ठीक है, इसको तौहीद ए इलाही भी बोलते थे, या दीन ए इलाही भी इसको बोल सकते हैं अपन, जिसका मतलब होता था डिवाइन मोनोथिज्म, है ना। ये इसकी एक क्या थी, रिलीजियस डॉक्ट्राइन थी, यानी रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, है ना, और ये आपको याद रखना है गाइस। और इसने दोस्तों एक इबादत खाना की स्थापना भी की थी। आप बताओ इबादत खाना की स्थापना कहां पे की थी दोस्तों? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहां पे की थी, बताइए? बताएं सभी लोग, जो इबादत खाना था उसकी स्थापना कहां पे की थी दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिएगा गाइस, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की इन्होंने स्थापना की थी, तो इसको याद रखना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज तरंगनी गिव्स अ रिलायबल हिस्ट्री ऑफ। राज तरंगनी कहां का इतिहास आपको बताता है? गुजरात का, पंजाब और बंगाल का, कश्मीर का या महाराष्ट्र का? राज तरंगनी गिव्स अ रिलायबल हिस्ट्री ऑफ गुजरात, पंजाब, कश्मीर या महाराष्ट्र? सो गाइज, राज तरंगनी कहां का इतिहास आपको बताती है? ये कश्मीर का इतिहास आपको बताती है, इसको भी आपको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब मुझे ये बता दो कि ये राज तरंगनी लिखी किसके द्वारा गई है, ऑथर कौन है इसके, और इसका टाइम पीरियड क्या है, ये भी बता दें ऑथर, और उसके साथ में आप मुझे बताओ टाइम पीरियड। बताइए फटाक जल्दी से एक बार, राज तरंगनी किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल सही बात है, कलन के द्वारा लिखी गई है आपकी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अलबरूनी विजिटेड इंडिया इन द टाइम ऑफ। अलबरूनी भारत में कब आया? असगका द ग्रेट के टाइम पे, महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे, मोहम्मद गोरी के टाइम पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे? सो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अलबरूनी विजिटेड इंडिया इन द टाइम ऑफ, किसके टाइम पे आया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
अच्छा मुझे आप ये भी बताओ कि अलबरूनी की किताब कौन सी थी, ठीक है ये भी आप बताएंगे मुझे। और अलबरूनी के बारे में जो भी चीज आपको पता है वो प्लीज एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएं, जिससे सभी लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे आया था, महमूद गजनी के सातवें दोस्तों को आया था यहाँ पे, उसकी जो एक्सपीडिशन होती थी उसके साथ में वो आया था और भारत के बारे में उसने बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे किया है दोस्तों। और इसकी जो किताब थी दोस्तों उसका नाम है किताबुल हिंद। बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद, ठीक है। गजनी के साथ में आया था ये, है ना। अब देखो 11वीं सेंचुरी, ये दोस्तों जो अलबरूनी था ना, ये एक पर्सियन स्कॉलर था और बहुत ही लर्न मैन था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी था ये। और महमूद की जो कंपेन थी उसके साथ में ये, जितनी भी साउथ एशिया में उसने कंपेन की ऑलमोस्ट सबके साथ में ये आया था दोस्तों। और ये पहला एक मुस्लिम स्कॉलर था जिसने भारत के बारे में पढ़ाई की और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के बारे में इसने पढ़ाई की, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इंडोलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ इंडोलॉजी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडोलॉजी किसको बोलते हैं। एंड गाइस ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये भी आपको याद रखना है। एंड गाइज ये आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीमथ भी माना जाता था ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है ये आपको याद रखना। बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल ये आदमी हुआ करता था, है ना। इसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, अरबियन अरेबिक भी आती थी, पर्सियन भी आती थी, इसको संस्कृत भी आती थी, इसको ग्रीक भी आती थी। तो ये चीज आपको अलबरूनी के बारे में याद रखना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एवरीवन, है ना। ये मैंने इसकी सारी डिटेल आपको लिख दी है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो आपको रिविजन करने में काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानी बाका बूम गिव्स द हिस्ट्री ऑफ, दोस्तों ये बेसिकली क्या है, एक बायोग्राफी मान लो या एक लिटरेचर मान लो, इसमें आपको किसका इतिहास का पता लगता है, साउथ इंडिया का, तिब्बत का, अफगान का या श्रीलंका का, ए बी सी या डी, क्या होगा आंसर बताएं। साउथ इंडिया, तिब्बत, अफगान रीजन या श्रीलंका। ए बी सी या डी, 15 सेकेंड आपके पास में है, सोचो और आंसर दो। आंसर क्या है मेरा, आंसर है दोस्तों तिब्बत। इससे आपको तिब्बत का जो इतिहास है ना उसकी जानकारी मिलती है, और वेरी गुड। और आंसर मिला है मुझे, रेखा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संचिता बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, और सिंह दांगेर का भी बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट गाइस। तो आंसर क्या होगा मेरा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से आपको तिब्बत की हिस्ट्री मिलती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर यूलोजी, प्योर यूलोजी का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों बताओ। हाथी गुफा ऑफ खारवेला, हाथी गुफा है गाइस जी, इसको हाथी गुफा कीजिए प्लीज।
जूनागढ़ रोक ऑफ रुद्रादामन फर्स्ट, नासिक केव ऑफ उसादवत्ता और नन ऑफ द अबव। गाइस मैंने आपको यूलॉजी के बारे में बताया भी था और आई होप आप सभी को पता भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आप सभी लोग सही भी देंगे गाइस। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर यूलॉजी। प्योर यूलॉजी का कौन सा इंस्क्रिप्शन आपका एग्जाम्पल है? हाथी गुफा ऑफ खारवेला, जूनागढ़ रॉक ऑफ रुद्रादामन फर्स्ट, नासिक केव ऑफ उसादवत्ता या नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है मेरा? आंसर है दोस्तों हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। ये प्योर एग्जांपल है यूलॉजी का दोस्तों, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये कलिंग रूलर के बारे में आपको जानकारी देता है, खारवेला है ना। और ये इंस्क्रिप्शन है दोस्तों 16 लाइन में आपका लिखा हुआ है ना, और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है इसकी, और पहली शताब्दी का माना जाता है, फर्स्ट सेंचुरी सीई का माना जाता है, ठीक है? ठीक है, और ये उदयगिरी हिल पे आपका मिला है दोस्तों, उदयगिरी हिल के साउथ साइड, ठीक है? तो ये किसके बारे में आपको जानकारी देना है? कलिंग रूलर ऑफ खारवेला के बारे में जानकारी दे रहा है, और ये प्योर यूलॉजी इंस्क्रिप्शन ये अपन मानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्मिथ द पंचमार्क कॉइन्स वर इश्यूड बाय किंग, गवर्नमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट, गिल्ड्स एंड गोल्ड स्मिथ विद द परमिशन ऑफ द रूलिंग पावर या अ रेगुलर पब्लिक अथॉरिटी। जो पंचमार्क सिक्के थे वो किसके द्वारा जारी किए जाते थे? राजा के द्वारा, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था गवर्नमेंट का, या जो आपकी जो बेसिकली मैंने आपको बताया ना, जो श्रेणी होती थी, गिल्ड्स होती थी, एंड गोल्ड स्मिथ विद द परमिशन ऑफ द रूलर या आपका रेगुलर पब्लिक अथॉरिटी। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सो गाइस पहला आंसर मुझे मिला है यहाँ पे सही, सिंह नोट सुमित्रा मुखर्जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, माया सैनी ने, एएस ने बिल्कुल सही। आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे? आंसर है आपका सी, ठीक है? जो गिल्ड्स और जो गोल्ड स्मिथ होते थे राजा की परमिशन के बाद में दोस्तों यहाँ पे उसको इश्यू किया करते थे, किसके? पंचमार्क कॉइन को, जो पंचमार्क के जो सिक्के थे उनको वो इश्यू करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर एवरीवन? नाउ सो गाइस कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, तो इनको अपन नेक्स्ट स्लॉट में करते हैं, एंड आज के लिए दोस्तों इतना ही है। तो एक बार मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को गाइस? अच्छा लगा तो एक बार लाइक का बटन दबाओ, ठीक है? एक बार वीडियो को शेयर करो और बताइए आपको कैसा लगा, और अपना अपना स्कोर भी बताइए। टोटल हमने 20 क्वेश्चन आज किए हैं गाइस, तो बताओ कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, एक बार स्कोर बताओ सभी लोग। एंड गाइस अगर आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं तो आप मुझे प्लस कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा प्लस कोर्स, ठीक है? जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग बैच भी आपके आने वाले हैं जिसमें हम हिस्टोरियोग्राफी को भी करेंगे, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप मेरा प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। रेफरल कोड है मेरा शिव10, इसको आप अप्लाई करें और इससे मिलेगा आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी गाइस, ठीक है? एंड ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का, जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो फ्री क्लासेस हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों 10 बजे होगी, 10 PM पे है,
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल जो हमारी क्लासेस होगी, आज की क्लास 10 बजे है, कल सैटरडे को हमारी पेपर 2 की स्पेशल क्लास है, हिस्ट्री की स्पेशल क्लास है दोस्तों। कब है? 10:30 बजे है, जिसमें हम स्टोरियोग्राफी वाला टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कल पेपर 1 की क्लास होगी, उसका टाइमिंग है दोस्तों आपका सुबह 9 बजे। तो ये जो स्पेशल क्लासेस है इनको जरूर आप अटेंड करते रहिए, फ्री क्लासेस है आपकी, कोई फीस नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका एसेस मिलता है, ओके। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी चीज हम करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, है ना, चलो।